हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुनील। करंटली मार्केट ओपन हो चुकी है, टाइम जो हो रहा है 9:37 का हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक लाइव ट्रेड ले लिया है, लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं पोजीशन में चलूँगा तो मुझे एक लॉट से मैंने ट्रेड किया तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा था। मैं 30-40 इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस कुछ दिखा रहा है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा और ट्रेड में कुछ रखा नहीं। यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं, करंटली पोजीशन चल रही, एक सिंगल लॉट में मैं काम करता हूँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और रिस्क समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं ऑर्डर बुक में चल के दिखाऊं तो आपको इसमें दिखेगा कि मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है वो 12 पॉइंट का है। 12 पॉइंट मिनिमम SL के साथ मैं हमेशा प्ले करता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा जो SL होता है वो हमेशा 12 से 15 17 पॉइंट का होता है। मैं एक पिन पॉइंट एंट्री करना पसंद करता हूँ। लॉजिक एक्सप्लेन करना हो, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या, देखिए प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, लेकिन पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था। इस पर्टिकुलर अगर टाइम मैं दिखाऊं तो टाइम आपको यहाँ पे दिखेगा, 9:34 पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है 132.10 रुपए की, और जो मैंने कॉल बाय किया है 44,300 कॉल बाय किया। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो आपको एक क्लियरली ब्रेकआउट मिला है। इसी ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है। ब्रेकआउट हुआ, गैप अप के थ्रू ऊपर ओपन हुआ, ऊपर होने के बाद डाउन साइड ही रेजिस्टेंस पे, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के साथ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लोअर लोज लग रहे थे, मतलब डाउन साइड का एक स्ट्रक्चर था। और डाउन साइड के स्ट्रक्चर के बाद समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे लो लगा, हाई लगा, फिर से लो लगा, प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई थी और ब्रेक किया इसको। ब्रेक करने के बाद एक परफेक्ट क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ से डाउन साइड से एक फिब ड्रॉ किया, ये एक फिबोनाची नंबर है 0.5 से 0.618 का लेवल। देखिए SL मेरा डाउन साइड का एकदम प्रॉपर जो स्विंग लो है प्रीमियम का वो है। अगर SL हिट होता है मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिंगल ट्रेड प्लान करता हूं। फर्स्ट ट्रेड में मेरा अगर SL हिट हो जाता है तो फिर मैं सेकंड ट्रेड करता नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो रूल्स है वो रूल्स है। मैं कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता हूं और ना कभी भी करूंगा। इनिशियल स्टेज में जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने के बाद, जब से मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो ऑप्शन ट्रेड में मैं एक लॉट सिंगल लॉट से मैं चाहता हूं कि मिनिमम SL के साथ मैक्सिमम टारगेट को किस तरीके से हम टारगेट कर सकते। तो यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई थी 9:34 की कैंडल अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जहाँ पे ये क्रशर चल रहा है, ये कैंडल जो है 9:34 की है जहाँ पे हमने बाइंग किया था। अभी यहाँ पे कोई ट्रेलिंग SL वगैरह कुछ भी नहीं है तो सीधे अगर ये लॉस देता है तो हम अपना लॉस बुक करेंगे। देख लेते हैं पोजीशन में एक्चुअल में क्या था। देखिए ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो अभी भी हमारी पोजीशन चल रही, ऑलमोस्ट प्रीमियम हमारे कॉस्ट पे चल रहा है तो कोई बहुत विशेष इशू नहीं है। अगर ये स्विंग निकलता है, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए, अगर बैंक निफ्टी 43,325 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, फिर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि इसी रेंज में फंसा रहे और फंसने के बाद फिर प्रीमियम डीके की वजह से, क्योंकि आज बुधवार है तो प्रीमियम डीके की वजह से हमारा SL हिट हो जाए तो उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो लॉजिक है, जो ट्रेड सेटअप है, उस ट्रेड सेटअप का मैंने वेट किया और बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने ब्रेकआउट देखा, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने कंफर्मेशन के साथ एंट्री ली है। अब देखते हैं कि ट्रेड में होता क्या है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, लॉजिक समझ में आया, कितना छोटा रिस्क है मैक्सिमम हमारा इसमें, इस ट्रेड में 300 अगर रुपीज में कैलकुलेट करें तो 12 × 25, मतलब यहां पे हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे 300 रुपए का रिस्क हमने लेके ट्रेड में हम एंटर हुए हैं। अब इसमें मैंने आपको लॉजिक बताया, एक अच्छी बाइंग आएगी कब, एक अच्छी बाइंग तभी आएगी जब प्राइस 43,325 के ऊपर निकलेगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ट्रेड अब हमको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। यहाँ पे हमने पुल बैक एंट्री ली थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट उसी पे एंट्री ली थी और ये डाउनसाइड अभी बार बार आने का प्रयास कर रहा, तो इसी बीच में बना रहा, मोमेंटम नहीं आया तो हमें SL लेना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा ट्रेड से। अभी भी आसपास प्राइस चले 130-131 के पास में,
अगर हम यहाँ पे पोजीशन देखें, हमें 40-45 रुपए का अभी तक प्रॉफिट दिखा रहा था 100 रुपए का, अब उतने का हमें लॉस दिखा रहा है। तो कोई नहीं, देखते हैं कि ट्रेड में होता क्या। चलिए एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन निफ्टी में है। निफ्टी भी डाउन साइड का मूव बार बार दिखा रहा है। निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये हो जाता है 18,664 का, क्योंकि ये जहां से प्राइस बार बार फॉल हो रही, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ये प्राइस जहां से बार बार फॉल हो रही है, ये डेली चार्ट में एक रेजिस्टेंस है और आवरली चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस है। तो जहां से प्राइस निफ्टी जो है डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, अगर मैं आवरली चार्ट इसका दिखाऊं तो आपको क्लियर दिखेगा कि निफ्टी में 18,660 का लेवल ऑलरेडी मार्क है और डाउन साइड में यहाँ पे जहां से प्राइस सपोर्ट ली है, ये हमारे लिए भी एक स्विंग यूटर्न है। तो इस लेवल को भी मार्क करें तो हो सकता है इसी रेंज में बना रहे और बना रहने के बाद कुछ फिर पैटर्न क्रिएट करे तो डाउन साइड का लेवल निकालता है तो फिर से हम इसी रेंज में आ जाएंगे। अपर साइड में जब तक इस पर्टिकुलर लेवल को आज जो हाई है 18,675 तो 18,680 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। ट्रेड अभी चल ही रहा है तो ऑलमोस्ट पोजीशन कास्ट के पास है, तो देखते हैं क्या एसएल हिट होता है कि क्या होता है। ट्रेड हमारा जो है, मैंने अपने ट्रेड का सेटअप का वेट किया, अब मुझे नहीं मालूम है कि इसमें मुझे एसएल लेना पड़ेगा या प्रॉफिट। लेकिन हाँ, एक चीज तो श्योर हूं, अगर ये 44,320 के ऊपर प्राइस निकलता है तो आपको एक मोमेंटम में बाइंग देखने को मिलेगी, एक शार्प बाइंग आपको देखने को मिलेगी। चाहेंगे तो आप यहाँ पे अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकते हैं, एक स्विंग एक यूटर्न यहाँ पे मिल गया है। तो हम चलिए प्राइस का फॉर्मेशन देखते हैं कि एक्चुअल में मैंने जो प्रीमियम लिया था उस पे, वो प्रीमियम के चार्ट पे एक मिनट के टाइम फ्रेम पे उस चार्ट पे चलते हैं तो कहाँ पे यूटर्न बना हुआ है। देखिए बहुत विशेष वो नहीं है, लेकिन 126 रुपए का हमें यहाँ पे यूटर्न मिला है। तो हम चाहें तो एक यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल 126 या 125 का लगा लेते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ पे जो रिस्क लेने वाले हैं, एक अब साथ ही पॉइंट का हम यहाँ पे अपना रिस्क लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने एसएल्स को मिनिमम कर देते हैं, जस्ट वेट करिए। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में ट्रेड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हम मॉडिफाई करके अपने एसएल को यहाँ पे 125 कर देते हैं, क्योंकि अब अगर रिस्क भी मिलेगा इसमें तो हमें बहुत छोटा सा लॉस होगा। तो 126 का यहाँ पे एसएल लग चुका है और प्रीमियम अगर देखेंगे तो बाइंग यहाँ पे हमें देखिए अच्छी बाइंग तभी है। अब हमारा रिस्क एकदम मिनिमम हो चुका है, अब ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर लेवल हमारा एसएल हो चुका है। अगर एसएल होगा भी तो मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस होने वाला है। इस तरीके से 6 पॉइंट मतलब समझ रहे हैं आप कि बैंक निफ्टी में मात्र और मात्र मेरा 150 रुपए का लॉस होगा एज ए मनी, और अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो एज ए पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो हमारा जो लॉस इसमें होगा वो हमारा लॉस है 6 पॉइंट का। अभी भी प्रीमियम हमें प्रॉफिट में ही मेरा चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे प्राइस। देखिए बाइंग आएगी तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, बस आप वेट कर रहिए। जो भी अपडेट होगा मैं आपको फिर से वीडियो बना के या सेकेंड टाइम जब एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा तब उसमें अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अगर अपडेट मैं आपको एनालिसिस की वीडियो दूंगा तो उसमें प्रोवाइड कर दूंगा कि इस ट्रेड में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।